ये वीडियो देख लिया ना तो ये चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, और फटाफट चुटकियां बजाते ही ये चैप्टर किस तरह से कंप्लीट करना भाई, ये मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सर बाकी 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 जो चैप्टर बचे हैं ना सर, उसका बहुत टेंशन आ रहा है, वो चैप्टर भी लेके आ जाओ सर, टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो भाई मैं इस चैप्टर के अंदर ये कुछ ही टाइम के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो सबसे हार्ड चैप्टर लगता है, इवन टेंथ में भी इससे रिलेटेड कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड है जो बच्चों को बहुत डरे सहमे रहते हैं, वो 15 से 20 मिनट में बच्चों को बता दिया था कि बस यही पढ़ो और एग्जाम में यही आता है। तो भाई ये तो पूरे के पूरे चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको पूरे को कैसे कंप्लीट करना है, तो चलो मैं बताता हूं। सो भाई सबसे पहले कार्बन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बन के अंदर बस आपको ये याद रखना है कार्बन का सिंबॉल क्या है, देन एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई आप सभी को पता रहना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो पहले वाले ऑर्बिट में 2, एंड देन एटॉमिक नंबर 6 है ना तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, तो पहले में 2 और इसके बाद कितना बच रहा है 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले में 2 एंड सेकंड में 4। इसके बाद देखो सेकंड ऑर्बिट में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने और चाहिए, 4 और चाहिए, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4 हो गया। और ये कैसा एलिमेंट है, ये नॉन मेटालिक एलिमेंट है, तो भाई बस इतना याद करो, बाकी यहां कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चलते आगे फटाफट, देखो इसे कंप्लीट करते हैं हम। अब देखो जो कार्बन होता है ना, कार्बन को आप सभी को यह पता रहना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं पूछा कि कार्बन को कौन से लैटिन नेम से उसका नाम बना है, वो है कार्बो, एंड कार्बो मतलब ही कोल होता है, इन केस कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। अंदर कार्बन जो होता है कार्बन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिलता है, फ्री में मिलता है और कम फ्री मतलब मुफ्त में नहीं मिलता, फ्री मतलब वो डायरेक्ट ही पूरा का पूरा कार्बन से ही बनता है, और कंबाइंड स्टेट मतलब कि कार्बन के साथ भी बाकी एलिमेंट भी होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कंबाइंड स्टेट या कंपाउंड स्टेट बोलते हैं, कंपाउंड स्टेट या कंबाइंड स्टेट। अब यहां अगर हम देखने जाए तो कंबाइंड स्टेट में यहां देखो कैलामाइन, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, फॉसिल फ्यूल जो हमारा फ्यूल होता है कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, देन इसके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, देन कॉटन, वूल, सिल्क, ये सभी के अंदर ये जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कोई भी 2-3 याद कर लो कि किसमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है, ये इसमें से कुछ भी है, सिंपल यही याद कर लो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, कॉटन, वूल, सिल्क, ये आराम से याद हो जाएगा, पेट्रोलियम के गैस का याद हो जाएगा, यार कितना टाइम लगेगा, ये सभी में कंबाइंड स्टेट में मिलता है, कंबाइंड स्टेट मतलब कार्बन के साथ ही वहां बाकी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, बट कुछ ऐसा है जो फ्री स्टेट में मिलता है, वो गया डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये डायरेक्ट ही कार्बन होता है, तो हो गया भाई फटाक से खत्म। देन इसके बाद हम चलते हैं ऑलोट्रॉप्स। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं ऑलोट्रॉपी क्या होता है, ऑलोट्रॉपी मतलब कि ऐसा कोई एलिमेंट जिसका केमिकल प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहे बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहे। सर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहे, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहे, सर एग्जांपल से बताओगे ना तो फटाक से समझ में आ जाएगा, चलो बताता हूं ना। जैसे मान लो मैं एंड मेरा भाई, ओके, दोनों के मतलब अगर हम जैसे कोई भी एक ऐसा चीज, ऐसा भी कोई भी चीज जो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, मतलब मेरा एंड भाई अगर हम दोनों का ब्लड चेक करें, खून चेक करें, तो दोनों का खून एक ही है, मैं एंड राहुल सर दोनों का खून एक ही है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, पर अगर बाहर से राहुल और मैं अलग अलग दिखते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। और ऐसे ही एलिमेंट की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑलोट्रॉपी। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म आर द सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, मैंने बताया कि हमारा सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, जैसे मैंने बताया गया हमारा जो दिख नहीं रहा हमारा ब्लड, जैसे एग्जांपल ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, ज्यादा उसको सीरियस मत लेना, तो हमारा जो ब्लड है मेरा एंड राहुल का दोनों का ब्लड क्या है, सेम है, ओके, हमारा खून एक है, बट अगर मैं बात करूं हम दोनों बाहर से अलग अलग दिख रहे हैं, फिजिकली अगर हम देख रहे हैं तो दोनों राहुल अलग दिखता है, मैं अलग दिख रहा हूं, तो यही एक ऐसे समझने के लिए एग्जाम्पल लिया। उसी तरह से कार्बन के अंदर कार्बन के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिंग हो गया, ये सभी दिखते अलग अलग है, डायमंड अलग दिखता है, ग्रेफाइट अलग दिखता है, देखो डायमंड एकदम मस्त झकास दिखता है, एकदम भारी दिखता है, बट अगर ग्रेफाइट की बात करो तो जो आपका पेंसिल है वो कैसा दिखता है, तो दोनों दिखते अलग है बट दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम है ना भाई क्योंकि बना किससे, कार्बन से ही बना हुआ है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ऑलोट्रॉपी, इसी को हम क्या बोलते हैं ऑलोट्रॉपी, भाई क्लियर दिमाग में रख लेना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि अपना टारगेट है कम टाइम में कैसे कंप्लीट करें। अब इसके अंदर ऑलोट्रॉपी ऑफ कार्बन में मतलब जो डिफरेंट फॉर्म है कार्बन के जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट है, ओके, जैसे मैंने बताया ग्रेफाइट हो गया, देन इसके बाद डायमंड हो गया, दिखते कैसे अलग अलग है,
बट अंदर सब कार्बन ही प्रेजेंट है ना, तो इसलिए उनका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो भाई इसके अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ऐसे दो टाइप है होलोट्रोपी ऑफ कार्बन के। तो इसके अंदर भाई कोई भी दो चीजें याद करो, दो या तीन चीजें याद कर लो। अगर आपको सबसे पहले ये याद हो तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये याद कर लो, देन डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, सार्फ एज एंड प्लेन सर्फेस। सिंपल सी बात है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो शेप डेफिनाइट होगा, फिक्स होगा, और एज डायमंड को याद कर लो, उसका एज कैसा होता है, शार्प एज होता है, और सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है। तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, इसमें से दो चार याद कर लो अगर आपको याद होता है। देन क्रिस्टलाइन फॉर्म को अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, तो इसमें तीन चार पॉइंट याद कर लिया, काम खत्म हो गया। कैसा होता है, रेगुलर होता है, डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम, उसमें फिक्स रहता है ना, क्योंकि शेप फिक्स है, तो एटम के भी, एटम का भी जो अरेंजमेंट होगा वो डेफिनाइट होगा, फिक्स होगा। ओके, अब होलोट्रोपी कितने टाइप के होते हैं, डायमंड। फिर इसमें ये दो चार याद कर लो कि हमारे इंडिया में कहां कहां मिलता है, गोलकुंडा हो गया, पन्ना हो गया, ये आपने याद कर लिया। देन इसके बाद अगर मैं बाकी कंट्री की बात करूं तो बाकी कंट्री में दो तीन कंट्री याद कर लो, साउथ अफ्रीका याद करो, देन ब्राजील याद कर लो, बेल्जियम याद करो, रशिया, जो भी इसमें से याद हो दो तीन याद कर लो, एक दो अपने अपने स्टेट का याद कर लो, एक दो बाहर की कंट्री का याद कर लो, डायमंड कहां कहां मिलता है, बस इतना ही पढ़ना है यार, बिना मतलब बच्चे डरते। फिर ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये याद होना चाहिए, ये वाला पार्ट, कि डायमंड के अंदर जो हर कार्बन एटम होता है वो उसके नेबरिंग कार्बन एटम, फोर नेबरिंग कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन एटम उसके फोर नेबरिंग कार्बन एटम के साथ क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, किसके अंदर, डायमंड के अंदर, ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, इन डायमंड एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर नेबरिंग एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपको याद होना चाहिए, बस इतना ही याद करना है, इतना ही याद करना। फिर इसके बाद मैं फटाफट, अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। अब ये आपको याद हो गया होगा कि डायमंड के अंदर क्या होता है, एक 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 डायमंड आगे उसके चार जो पास वाले चार एटम उसके साथ क्या बोलते हैं, बनाता है अपना बॉन्ड बनाता है। भाई इसमें मैं फटाफट बता रहा हूं, मैं एक्सप्लेन डिटेल में नहीं कर रहा हूं, फटाफट बता रहा हूं कि आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से कोई भी चार प्रॉपर्टी जो आपको बहुत सिंपल बहुत आसान सा लगे, वैसे भी पता है कि जो डायमंड कैसा होता है, हार्ड होता है, तो हार्डेस्ट नेचुरल एलिमेंट पहला हो गया। देन दूसरा डायमंड का डेंसिटी याद कर लो, मेल्टिंग पॉइंट याद कर लो, अगर कुछ बड़ा लग रहा है तो ये याद कर लो, डायमंड डज नॉट डिजोल्व इन एनी सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता। फिर इसके बाद एसिड बेस के ऊपर डायमंड का कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, बस ये चार पॉइंट याद कर लो, काम खत्म हो गया। और डायमंड अगर याद रखना है तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, हो गया। देन यूजर्स के अंदर दो या तीन, मतलब अगर टू मार्क्स के लिए तो चार यूजेस आपको याद होना चाहिए। देखो इसी में दो यूजेस दिया हुआ है ना, इसी में से दो यूजेस दो बना लो, ग्लास कटिंग के लिए यूज होता है और रॉक ड्रिलिंग मशीन के अंदर भी यूज होता है। देन ऑर्नामेंट, आपको ये पता ही है डायमंड का, आई सर्जरी के लिए डायमंड का यूज होता है। फिर इसके बाद डायमंड डस्ट इज यूज फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड, आपने सुना होगा ना, डायमंड को कट करता है, तो जो डायमंड के ऊपर डस्ट होता है उसको पॉलिश करने के लिए हम एक दूसरे डायमंड का यूज करते हैं, मतलब डायमंड ही डायमंड को क्लीन करता है। तो ऐसे करके तीन या चार आपने याद कर लिया, काम खत्म हो गया डायमंड खत्म। देन सेम भाई ग्रेफाइट का भी, जैसे हमने अभी उसमें देखा कि एक कार्बन एटम अदर चार कार्बन एटम के साथ क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसके अंदर भी आपको याद रहना चाहिए, एवरी कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम इन सच अ वे दैट हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर इज फॉर्मड। आपको इसके अंदर, उसके अंदर एक एटम चार के साथ बनाता था, इसके अंदर एक एटम कितने एटम के साथ बॉन्ड बना रहा, चार, और ऐसे करके कितने एटम का एक कौन सा शेप बनता है, हेक्सागोनल शेप बनता है। कैसा शेप बनता है, हेक्सागोनल शेप बनता है, लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसा करके आप तीन चार पॉइंट लिख सकते हो, इसके साथ ये भी लिख सकते हो कि ग्रेफाइट के अंदर नंबर ऑफ लेयर्स होता है, इसलिए वो नंबर ऑफ लेयर एक दूसरे से क्या होता है, स्लिप होता है जब भी हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं, हम जब भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो एक दूसरे पे क्या होता है, स्लिप हो जाते हैं। ओके, और इसी को हम ग्रेफीन बोलते हैं। तो भाई ये फटाफट, अब जल्दी 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 और फटाफट, फिर इसके अंदर कोई भी दो चार प्रॉपर्टी याद करो जो आपको एकदम सिंपल सा पढ़ने आ रहा है वो आराम से याद कर लेना। हाँ, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर इसकी डेंसिटी याद कर लो, ग्रेफाइट डज नॉट डिजोल्व इन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट, बहुत सारे सॉल्वेंट में ग्रेफाइट डिजोल्व नहीं होता। इसके यूजेस तीन चार यूजेस याद कर लो, काम खत्म। अफ्लुरीन, फिर से बोला, सबसे पहले वैसे तो ये बहुत कम आता है स्ट्रक्चर के बारे में पूछना, बट आपको पता रहना चाहिए, जैसे मैंने डायमंड के बारे में बताया, देन इसके बाद हमने देखा ग्रेफाइट के बारे में देखा,
देन फ्लोरीन के बारे में भी ये चीज आपको याद होना चाहिए कि इसमें कितने कार्बन ऑफ एटम अदर कार्बन एटम के साथ क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये चीजें बस आपको याद होनी चाहिए, और साथ में ये एग्जाम में कभी कभार आ गया, ये समझ में आया, बस ये, और बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, और कुछ काम नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, इसमें तीन दिया हो तो बस दो दो प्रॉपर्टी एंड दो दो यूजेस याद कर लो। ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब हम बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ओके, नॉन क्रिस्टलाइन में कोल होता है, ओके, देन चारकोल होता है, ये देखो कोल, चारकोल एंड कोक, ऐसे तीन नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म दिया हुआ, कोल, चारकोल एंड कोक, कोल, चारकोल एंड कोक। अब मैं कोल की बात करूं तो कोल को तीन चार पार्ट में डिवाइड किया गया, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। पीट के अंदर क्या याद रखेगा, बस अगर तो आप इसी लाइन में अगर इसी तरीके से आपने याद रखा ना, सबसे पहले याद रखो कि कोल, कोल, कोल के अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, सबसे पहली बात, कोल किस लिए यूज होता है, फॉसिल्स फ्यूल के लिए यूज होता है। बाद में इसके अंदर क्या क्या रहता है, कोल कार्बन से बना है तो भाई कार्बन तो रहेगा ही, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहता है, और उसके साथ ही इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर भी होता है। तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए, कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसी के साथ ही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर भी होता है। ओके, और वो कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। देखो भाई, सब में अलग अलग प्रोपोर्शन में कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ज्यादा प्रोपोर्शन में कार्बन प्रेजेंट है वो प्योर है, वो पूरी तरह से क्या है, प्योर है, प्योर कार्बन हम बोल सकते हैं, प्योर फॉर्म है कोल का। किसका फॉर्म है, प्योर फॉर्म है कोल, क्योंकि जिसके अंदर जितना ज्यादा प्रेजेंट कार्बन रहेगा वो उतना ज्यादा प्योर कोल बोलते हैं। तो पीट के अंदर हम देखेंगे, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल है, ये पहला स्टेप है कोल बनाने का। ओके, और इसके साथ ही इसके अंदर बस ये लाइन याद रखो, ओके, हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, ज्यादा इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, एंड लेस देन 60% ऑफ कार्बन, कार्बन 60% से भी कम होता है। दूसरा लिग्नाइट, इट इज सेकेंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इट इज द सेकेंड स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, ये है, और इट कंटेन 60-70% कार्बन, बस इतना याद रखना है। उसमें हमने देखा लेस देन 60% ऑफ कार्बन, यहां क्या देखना, इट कंटेन 60-70% ऑफ कार्बन, इसके अंदर 60-70% है। अब बिटुमिनस की अगर मैं बात करूं, बिटुमिनस में कि थर्ड स्टेप है, पहला फर्स्ट स्टेप, देन दूसरा सेकंड स्टेप, एंड जो अगर हम तीसरा बात करें तो इट इज द थर्ड स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, ये थर्ड स्टेप है। इसके अंदर 70, जो देखो कार्बन का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है, मतलब कार्बन जितना ज्यादा है वो प्योर होता जाएगा। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं ये वाले में, अभी मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम इससे काम करेंगे। तो भाई 70-90% क्या है, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, और ये थर्ड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल का। अब एंथ्रासाइट पहला पॉइंट तो आप सभी को पता ही कि क्या लिखने का, फोर्थ स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल का, और इसके साथ ही इसके अंदर अबाउट 90% ऑफ कार्बन होता है, मतलब सबसे प्योर फॉर्म होता है कोल का, इसका कोल का, क्योंकि इसके अंदर कार्बन ज्यादा प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे करके भाई इसको आराम से याद कर सकते हैं। अब चारकोल की बात करते हैं, सबसे पहले चारकोल बनता किससे है, आपको पता रहना चाहिए। चारकोल देखो एनिमल के बोन से, ये देखो हॉर्न से, ओके, ये दो चीजों से हमारा चारकोल बनता है। दूसरे साइड चारकोल को, ये तो नॉन वेजिटेरियन हो गया, बोलोगे सर एनिमल किससे बनता है, तो नॉन वेजिटेरियन है। अब वेजिटेरियन चारकोल का तो नाम कभी ना कभी आपने सुना होगा, और साथ में प्लांट को देखो यहां लिखा हुआ, चारकोल इज मेड फ्रॉम अ प्लांट इज फॉर्म्ड बाय कंबशन ऑफ वुड इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, मतलब पूरी तरह से हम एयर का सप्लाई नहीं करते, विदाउट पूरी तरह से एयर के सप्लाई किए बिना हम उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, और जला के हम उससे क्या बनाते हैं, चारकोल बनाते हैं। पूरी तरह से एयर का सप्लाई नहीं करते, पूरी तरह से एयर का सप्लाई हम नहीं करते, इनसफिशिएंट ऑफ एयर का सप्लाई करके हम उसको क्या करते हैं, कंबशन करते मतलब उसको जलाते हैं, और वो जला के हम क्या बनाते हैं, चारकोल बनाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया चारकोल किस तरह से बनता है। फिर यूजेस, भाई फिर से बोल रहा हूं, कोई भी चार यूजेस याद कर लो। ओके, कोई भी चार कोल, कोल्टार इससे बनता है, फिर फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री एंड होम में कोल का यूज किया जाता है, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, आप तो पता ही है, थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज होता है, देन इसके वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल को प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज होता है। हो गया, तो हमने कोल पढ़ लिया, कोल के टाइप पढ़ लिया, चारकोल पढ़ लिया, जबकि मेरा इसके अंदर इंटेंशन है फटाफट आपको बताऊं पढ़ना क्या, पर थोड़ा थोड़ा चीजें मैं आपको बताते जाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या इसका मीनिंग है। वैसे मैंने बोला डिटेल में ये चीजें नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं पढ़ना क्या क्या है। अब इसके अंदर बात कोक का डेफिनेशन सबसे पहले, फिर इसके दो ही यूजेस आपको पढ़ने हैं, ओनली दो यूजेस पढ़ना है। ओके, अब यहां देखो, द प्योर कोल दैट रिमेन व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल, जब प्योर कोल में से, याद रखो, जब प्योर कोल हमने देखा, प्योर कोल में से
जब हम कोल गैस बाहर निकल जाता है, प्योर गैस, जब कोल गैस पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, जो चीज बचता है उसी को हम बोलते को, क्या बोलते को, द प्योर कोल दैट रिमेन व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल इट इज कॉल्ड कोक. ओके, जब प्योर कोल में से कोल गैस बाहर निकल जाता है तो जो हमें बचता है, ओके, जो हमारा हमारे पास प्योर कोल है उसमें से हम क्या करते हैं, कोल गैस, पूरा गैस उसमें से कोल गैस, कोयले वाला गैस पूरी तरह से निकल जाता है, तो जो बचता है, जो हमारे पास बच रहा है, वो हम उसको क्या बोलते हैं, कोक. और कोक के ऐसे यहाँ दो टाइप दिए, दो टाइप आराम से आप लिख सकते हो. इसके बाद भाई हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में थोड़ा आपको बताऊंगा, वैसे डिटेल में ये 10 स्टैंडर्ड में, तो इसलिए मैं फटाफट, कितना टाइम हो गया, 15 मिनट, 5 मिनट और हम इस पे देंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे आपको बताना है कैसे कंप्लीट करना है. अगर डिटेल में चाहिए कि सर डिटेल में एक्सप्लेन करो तो बता सकता हूं, बट भाई इसमें पढ़ना यही है, इतना ज्यादा इसको डिटेल में. देखो इसके अंदर आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैं अगर बताऊं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है. ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं अल्केन. तो ये देखो ये वाला, यहां से द हाइड्रोकार्बन हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, सिंगल बॉन्ड, और बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे 10 स्टैंडर्ड के अंदर, जब हम पढ़ेंगे ओपन चैन, क्लोज चैन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर इसके बाद अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो सभी डिटेल में हम बताएंगे, अभी काम कर रही है. तो बस इसके अंदर जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है उसको बोलेंगे सैचुरेटेड. इसके आगे, इसके उल्टा अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. ये देखो सम हाइड्रोकार्बन हैव अ, दिख रहा है कि ना, दिख रहा है यहां से, सम हाइड्रोकार्बन हैव अ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम. अ मल्टीपल बॉन्ड कैन बी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उसको ही हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड. बस इतना ही, आपको दो ही डेफिनेशन आएगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. हाँ, एक डेफिनेशन और आ सकता है, ये वाला हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं. देखो हाइड्रोकार्बन नाम, उसके नाम में उसका काम छुपा हुआ है और उसी में चीजें छुपी हुई है. जिस भी जो भी ऐसा कंपाउंड जो जिस किससे बना है, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है. ओके, द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. और उसी बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन में बस क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसा कंपाउंड जो किससे बना हुआ है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से. ओके, बस इतना और कुछ नहीं. अब इसके बाद रिएक्शन उतना आपको पूछा नहीं जाता, अभी नाइन्थ में इतना कुछ रिएक्शन नहीं है. हाँ, कार्बन कंपाउंड का भी याद रखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखो, मॉलिक्यूलर मास याद रखो, मेल्टिंग पॉइंट. वैसे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं आपको पता है, अगर नहीं पता तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, मैं बताऊंगा आपको. फिर से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में इतना कुछ नहीं है. यहां ये याद रखना थोड़ा, नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको एक्सपेरिमेंट है तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. देन इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ केमिकल प्रॉपर्टी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, और इसमें से दो केमिकल प्रॉपर्टी बस, ये रिएक्शन को देख के. वैसे कम चांस है कि केमिकल प्रॉपर्टी पूछा जाए, बहुत कम चांस है, बट कभी कभार किसी स्कूलों में दे देता है, क्योंकि ये स्कूलों का एग्जाम है तो स्कूलों के एग्जाम में हम रिस्क नहीं उठा सकते. बस ये याद है ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो ये जो Na2CO3 है क्या है, सोडियम कार्बोनेट है. जब भी व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड किसमें से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या फॉर्म होगा, टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट. ये पहला रिएक्शन. देन दूसरा रिएक्शन अगेन सोडियम हाइड्रो, देख दो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा. तो ये सोडियम कार्बोनेट, देन वॉटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड. जब इसमें से सुनो, इसमें से एक्वियस सोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर वॉटर भी है ना, H2O मतलब वॉटर भी, इसलिए मैंने यहां क्या बोला, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में से हम क्या पास करेंगे, व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने पास किया तो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट. देखो इसके अंदर एक एच आ गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा होता है, सॉरी अगर मेरे मुंह से निकला होगा तो, सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा होता है, और जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो होता है हमारा बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, समझ में आया. तो अगेन अगर हम इसके अंदर में से ये जो एक्वियस सॉल्यूशन मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर वाटर है, तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में से जब हम फिर से अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो हमारा बन जाता सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब फिर से बता रहा हूं क्या होता है, हमारा बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा. बाइकार्बोनेट देखो एच दिख रहा है. फिर से यूजेस, इसमें से दो तीन यूजेस याद कर लो, ज्यादा चार, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए था, 4 यूजेस. अब बच्चे इसको बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर का बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं. मैं सबसे पहले आप सभी को बोलूंगा कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम की सबसे पहले प्रैक्टिस करो.
इसको टोटल सबसे पहले आप इसके अंदर क्या क्या ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ऑपरेटर का नाम लिखो। ऑपरेटर तो ये आपने डायग्राम अगर कर लिया ना, नोब हो गया, कैप्सूल हो गया, इस कैप्सूल के अंदर, ग्लास कैप्सूल के अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नीचे वाला जो कंटेनर होता है उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये आप ऑपरेटर में ये सभी चीजें या इंग्रेडिएंट में ये सभी चीजें आप लिख सकते हो। इसके बाद वर्किंग, वर्किंग कैसे होगा, व्हेन वी प्रेस द नोब, जैसे हम ये नोब को प्रेस करते हैं इसके अंदर, इस ग्लास कैप्सूल के अंदर जो भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, देखो इस ग्लास कैप्सूल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इस ग्लास कैप्सूल के अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखो ये जो नीचे वाला कंटेनर इसके अंदर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखो यहां रिएक्शन लिखा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब ये ग्लास कैप्सूल के अंदर रहने वाला सल्फ्यूरिक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में आता है, तो उसके अंदर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं किसके लिए, एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर, ओके, आग को बुझाने के लिए। समझ में आ रहा मेरी बात? तो आपको कैसे लिखना है फिर से एक बार, व्हेन वी प्रेस द नोब, जैसे हम नोब को प्रेस करते हैं ये जो ग्लास कैप्सूल होता है ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद इसके अंदर का जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है, कम इन कांटेक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में आने के बाद उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो पार्ट जल रहा है उसके ऊपर इसका सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने के बाद उस पार्ट का ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट, और उस पार्ट का ऑक्सीजन के साथ जो रिलेशन है मतलब कॉन्टेक्ट है वो खत्म हो जाता है, और ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट खत्म होने के कारण आप सभी को पता है जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट खत्म होने के कारण क्या हो जाता है, वो जलना जो होता है बुझ जाता है, ये सभी चीजें। अब देखो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने जो चीजें यूज किया ऑपरेटर लिख दो, या इंग्रेडिएंट जो चीजें आपने इसके अंदर यूज की वो लिख दो, देन इसके बाद इसका केमिकल रिएक्शन, ये जो दिया हुआ केमिकल रिएक्शन, देखो सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, देन क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले आपने ऑपरेटर लिखा, देन इसके बाद केमिकल रिएक्शन लिखो, देन इसके बाद ये प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बेस फायर एक्शन क्यों, डू नॉट कॉज कोरोजन, आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, ओके, समझ में आ रहा, और ये नाइदर कंबस्टिबल भी होता है, ये जलने में सपोर्ट नहीं करता, तो ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी के बाद वर्किंग में जो मैंने आपको बताया कि जैसे हम नोब को प्रेस करते हैं ग्लास कैप्सूल ब्रेक हो जाता है, ग्लास कैप्सूल ब्रेक होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड किसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट के कॉन्टेक्ट में आते ही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में आने के कारण इसीलिए वो आग क्या हो जाता है, आग जो फायर लगा हुआ रहता है वो फायर जो लगा रहता है हम उसको बुझा सकते हैं, बस इतना ही, और रिएक्शन बस इतना ही। देन इसके बाद गाइस अगला मीथेन, मीथेन का ये फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास, इसमें से कोई भी तीन या चार उसका जो ऑकरेंस है कहां से वो मिल रहा है वो फाइन वो लिख सकते हो। देन फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलरलेस है ये, और एक और कोई भी चार याद कर लो कि ये गैसेस स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर रहेगा तो ये कैसा रहेगा, कौन से स्टेट में रहेगा, गैसेस स्टेट में रहेगा। देन केमिकल प्रॉपर्टी उतना आने के चांसेस कम है, फिर भी करके रखो, ये रिएक्शन करके रखो, इसी रिएक्शन से आप स्टेटमेंट फॉर्म कर देना, ओके। अब यूजेस ऑफ मीथेन दो यूजेस लिख सकते हो। अब लास्ट बायोगैस, बायोगैस में अगर आप देखोगे तो बायोगैस का सबसे इंपॉर्टेंट सेम उसी तरह से इसके अंदर एक कोई भी दो तीन ऑपरेटर लिख दो क्या क्या आपने इसके अंदर यूज किया हुआ, सबसे पहले वो, देन इसके बाद इसका केमिकल रिएक्शन, अगर मैं कहा केमिकल रिएक्शन, ये देखो ये केमिकल रिएक्शन जिस तरह से मीथेन को बनाया जाता है CH4, ये मीथेन होता है, एक कार्बन चार हाइड्रोजन तो बनता है, क्योंकि अब टेंथ में आके पढ़ोगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, बाद में बताएंगे क्योंकि अभी तो काम है कि कैसे आपको पढ़ना है। अब इसके बाद इसके अंदर आपको सबसे पहले ये बताना है कि बायोगैस प्लांट, ये देखो ये लिखा है बायोगैस, जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस है, मीथेन गैस को ही हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। और ये मीथेन गैस बनता कैसे, किससे किससे बनता है, एनिमल डंग, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेज, और इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं बाय एनारोबिक माइक्रोब्स इन द बायोगैस प्लांट। एनारोबिक मतलब एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, ओके, एब्सेंस ऑफ एयर, जहां ये प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को करके हम उसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज को हिंदी में क्या बोलेंगे, विघटन, क्या बोलते हैं, हाँ डिकम्पोज करते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको हम विघटित ही बोलते हैं, छोटे छोटे पार्ट, मतलब एकदम जैसे अभी
डिकम्पोज के लिए बताऊंगा, देखो कोई एनिमल अगर मर जाता है तो थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि धीरे 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 उसके बाद छोटे छोटे माइक्रोब्स आ जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और उनको डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं, और थोड़े दिन के बाद उसे छोटे 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 कीड़े दिखेंगे, एकदम छोटे छोटे दिखेंगे, और वो उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे, डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे, हजारों लाखों कीड़े आ जाते हैं और उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में जो हमें बचता है वो क्या बचेगा, बस उसको बोन्स बचते हैं, बस हड्डियां बचती है। तो उसी तरह से एनिमल डंग, ड्राई लीव्स एंड वेट गार्बेज को डिकम्पोज किया जाता है एनारोबिक एब्सेंस ऑफ एयर, और क्या, किसके थ्रू, माइक्रोब्स के थ्रू, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके थ्रू, और यहाँ बायोगैस प्लांट के अंदर, और वहां क्या प्रोड्यूस होता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस। ओके, एनिमल डंग, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेज गेट डिकम्पोज बाय, कैसे डिकम्पोज करते हैं, एनारोबिक माइक्रोब्स में, मतलब जहां एब्सेंस ऑफ एयर रहते हैं वहां ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, इसको छोटे 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 विघटित करते हैं, अगर आपको मैंने वो एग्जांपल बताया आपके दिमाग में आ रहा होगा, और वहां जब वो ऐसे कर इस तरह का प्रोसेस करते हैं तो वहां एक गैस निकलता है, उसी गैस को हम बायोगैस बोलते हैं, उसी गैस को हम अपने पाइप के थ्रू, देखो बहुत जगह बहुत गांव में बड़े बड़े, अगर आपने बायोगैस प्लांट देखा होगा तो बड़े बड़े टैंक होते हैं, उन टैंक में ये सब चीजें डाल देते हैं, डालने के बाद पाइप कनेक्ट होता है हमारे घर तक, बट एक चीज है इसका स्मेल बहुत ज्यादा आता है, यही थोड़ा प्रॉब्लम है इसके लिए। बायोगैस बहुत ज्यादा चीप फ्यूल है, सभी को पता, क्योंकि ये सभी चीजें आप यूज थोड़ी करते हो, हाँ एनिमल डंग तो बहुत जगह यूज होता है, पर जो हमारे घर से निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका थोड़ी यूज होता है, तो उसका यूज करके हम ये गैस बनाते हैं, इसलिए बहुत चीप होता है, ये आप पॉइंट लिख सकते हो। इसके बाद ये वाला पॉइंट, बायोगैस प्लांट के अंदर 50-60% मीथेन होता है और बाकी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भाई दो स्टेप्स होते हैं, दोनों स्टेप्स लिखना, पहला प्रोडक्शन ऑफ एसिड, दूसरा मीथेन गैस प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन ऑफ एसिड में जो हमने वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हमने टैंक के अंदर डाला हुआ है उसके थ्रू क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड, और इन ऑर्गेनिक एसिड के को बैक्टीरिया के थ्रू क्या प्रोड्यूस करवाया जाता है, मीथेन गैस। तो समझ में आया, सबसे पहले जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके थ्रू हम क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, और उस ऑर्गेनिक एसिड के थ्रू हम क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, मीथेन गैस। देखो यही होता है, यही वाला हमारा है ऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम अगर एसिड का नाम बताओ तो है एसिडिक एसिड, और एसिडिक एसिड के थ्रू हमने क्या बना दिया, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और यही मीथेन जो होता है हमारे घर में, हमारे पाइप के थ्रू हमारे घर में आता है, जहां भी ये बायोगैस प्लांट यूज किया जाता है। तो ये दोनों लिख सकते हो, जो जो चीजें मैंने इसके अंदर बताई कि कैसे बनता है, पहले ये गैस, देन इसके बाद इसके अंदर कितना प्रोपोर्शन होता है, ये चीफ होता है, बस इतना लिख दो, देन इसके ये टैंक और इसके कितने स्टेप्स है, बस भाई इतना ही इस चैप्टर के अंदर, इतना ही करना है। अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो ये चैप्टर आपका 20-25 मिनट में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पूरा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाई अगर चाहते हो ऐसी वीडियो में बाकी फटाफट बना के दूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका सपोर्ट रहा तो और बहुत सारी चीजें आएगी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।